शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 20। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 20। वहां संयोग से शेबा नाम एक बिन्यामिनी था। वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न ईशे के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इसराइली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए, परंतु सब यहूदी पुरुष यर्दन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रहे। तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहां उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अभिषेक से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशालम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा न हो कि वह गढ़वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। तब योआब ने जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करके यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेटे में कसे हुआ था और उस फेटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह गिरकर निकल पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोग दी, जिससे उसकी अतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अभिषेक बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले। अमासा तो सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था, तो जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, और जब देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं, तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए, और वह सब इसराइली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब उन्होंने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकार कर कहा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहां आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हां मैं वही हूं। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं तो सुन रहा हूं। वह कहने लगी, प्राचीन काल में तो लोग कहा करते थे कि आबेल में पूछा जाए और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इसराइलियों में से हूं,
परंतु एक प्रधान नगर नाश करने का प्रयत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो कि मैं निगल जाऊं व नाश करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नाम एप्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। सो तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहर पनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए और योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट आया। योआब तो समस्त इसराइली सेना के ऊपर प्रधान रहा और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों के ऊपर था और अदोराम बेगारों के ऊपर था और अहिलूत का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था और शया मंत्री था और सदोक और एब्यातार याजक थे और याइरी इरा भी दाऊद का एक मंत्री था।